हरियाणा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नफे सिंह की हत्या के बाद अब बदमाशों ने कुछ उसी स्टाइल में हिसार में एक घटना को अंजाम दिया है। दरअसल रविवार को सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संजय दुहन कवारी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सरपंच को कई गोलियां लगने से उनकी जान चली गई। संजय दुहन जब एक शादी से अपने घर वापस लौट रहे थे तो गांव में ही अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में संजय दुहन की मौत हो गई। इस घटना को लेकर हांसी के विधायक विनोद भयाना ने कहा कि सरपंच के बेटे के साथ गांव में किसी से विवाद हुआ था, जिसके बाद सरपंच ने सिक्योरिटी की भी मांग की थी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी गई। ये मामला तो समझ में आएगा, अभी तक तो सिर्फ मुझे पता ही चला कि संजय सरपंच कुमारी को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। सही मायने में बहुत दुखद बात है कि रंजिश तो पहले से कुछ ना कुछ छोटी मोटी गांव में चली रही थी और एक केस में इसके खिलाफ 120 बी लगाने का भी प्रयास किया था, मगर क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं था तो इसलिए पुलिस ने इसके खिलाफ 120 भी नहीं लगाई। शायद मुझे नहीं पता, अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर कोई ना कोई रंजिश का परिणाम तो है ही। ऐसे तो कोई ऐसा कांड नहीं होता, कोई ना कोई अपने मन में रंजिश लिए बैठा होगा। मुझे भी पता चला है, मैं आया हूँ यहाँ, देखते हैं पुलिस अपनी छानबीन करेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा मेरे संज्ञान में आया कि ये बार बार सिक्योरिटी की डिमांड कर रहा था। ये एसपी से मिला कई बार, मगर ना जाने किन कारणों से एसपी ने सिक्योरिटी नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी जांच एक दो दिन में हो जाएगी, कौन लोग हैं, क्यों मारा है, किस लिए मारा है। सही मायने में तो ये दुखद बात तो है ही, लेकिन जब तक कोई सही रिपोर्ट ना आ जाए इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी। सर, जैसे पुराने इनके साथ पहले भी विवाद हुआ था कोई आपस में गांव में किसी गांव में? इसका तो नहीं, इसके बेटे के साथ हुआ था। और पता नहीं, अभी तो सुबह तक पता लगेगा सारी। वही डीएसपी रविंद्र सांगवान ने कहा कि कवारी के सरपंच की हत्या कर दी गई है, जांच के बाद पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। पुलिस के पास सूचना है कि कवारी गांव में संजय पे गोलियां चली है, तो उसके बाद मौके पे मैं भी सीआईए भी एसएचओ भी सारी टीम गांव में भी गई थी। अभी यहां पे सूचना थी तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी, तो हमारी टीम एसपी साहब की तरफ से तीन टीमें बनाई गई है, दोनों सीआईए और जो भी कोशिश है सुबह ये कंप्लेंट मुंह करेंगे, जिस पे इन पे शक है। अभी तक कोई कंप्लेंट दी नहीं है, फिर भी जो भी सुराग मिलेगा अभी तफ्तीश इसकी जारी है। सर, प्राथमिक जांच में क्या आया, कोई पुरानी रंजिश भी है इनकी? और अभी कुछ भी करना ठीक नहीं, तफ्तीश को करेगी, जैसे भी कोशिश है इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस करेगी। पुलिस सुरक्षा की भी डिमांड की गई थी लेकिन दी नहीं गई, वो देखेंगे पहले का क्या मामला है। थैंक यू, धन्यवाद। बहरहाल जिस तरह से प्रदेश भर में एक के बाद एक लगातार हत्याएं हो रही है, उससे प्रशासन पर सवालिया निशान लग रहा है। और साथ ही जब सरपंच की ओर से सिक्योरिटी की मांग की गई, उसके बावजूद भी इसे नजरअंदाज किया गया, जो पुलिस की ढिलमुल रवैये को दर्शाता है। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।